हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी, यहाँ आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा अपने सामने वाले घर से, जहाँ पर मतलब मेरी दो जिठानियाँ रहती हैं। तो मैं वैसे एक कॉमेंट भी आया था कि ना आप अपना ससुराल दिखाएँ, तो ससुराल तो मेरा वही है जहाँ मैं रहती हूँ। शादी होके मैं उसी ही अपार्टमेंट में आई थी जहाँ मैं ब्लॉग शूट करती हूँ अपने। तो ये सामने वाला घर है जहाँ पर मेरी दो जेठानियाँ रहती हैं। तो पहले ये था कि जो है ना खाना भी वहीं पर कुकिंग होती थी, अब ये है कि सब अपने अपने हिसाब से कुकिंग कर लेते हैं। और बस मेरी जेठानी की भतीजी की शादी हुई थी तो वो आ रही थी, तो मेरी जेठानी ने कहा तुम लोग भी साथ ही लंच करना, बहुत मतलब टाइम हो गया है साथ बैठ के जो है वो डिनर या लंच कुछ भी, क्योंकि पहले तो ज़ाहिर सी बात हमारा साथ ही होता था। अभी अमूमन आपने देखा है कि मेरा अभी जो है ना वो भाग दौड़ी लगी रहती है, तो संडे को अमूमन मैं होती ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं बस जाना नहीं है ना। तो खैर, यहाँ पर मुझे बनाना था कोरमा, मैंने कहा मैं कोरमा बना देती हूँ, तो उसकी रेसिपी मैंने कहा आपके साथ वो भी शेयर करूँ। और बस यहाँ पर मैंने जो है ऑयल में से आपने देखा जैसे प्याज मैंने 4 बड़े स्लाइस करके उसको ब्राउन करके निकाल लिया था, और 1 किलो ये गोश्त था तो 4 बड़े मैंने प्याज लिए थे। और यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर लिया था गोश्त को, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करा है और सॉल्ट डाल के इसको फ्राई कर वो भून के पानी डाल के मैं इसको बॉयल करके रख लूँगी। मैंने सोचा था रात में जिब्रान थे नहीं, गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना मैं इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ, बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट डे यानी संडे को करती। और बस मैं अकेले थी तो मैं यहीं पर ही आ गई थी। मेरी जेठानी जिनकी मेज से शादी हुई थी वो जाग रही थी, वो जागती हैं, उनके हस्बैंड लेट आते हैं और बच्चे भी जाग रहे थे, और जिनके मेहमान आने थे वो सो रही थी क्योंकि उनके वो जल्दी सो जाती हैं। वो आई थी उठ के बेचारी, तो मैंने कहा आप सो जाएँ, आपको कुछ करना तो है नहीं भाई, हम तो रात भर जागते हैं, आपकी नींद ख़राब होगी। तो बस ये फिर जो है ना मैंने इसको फिर मैं अपनी तरफ ले आई थी, मैंने कहा मैं यहीं पर नेक्स्ट डे का है ये क्लिप, तो वो मैंने इसलिए साथ कर दिया क्योंकि रेसिपी भी मैंने कहा एक साथ ही आपको मिल जाए इसलिए। तो यहाँ मैं उड़ गई थी सुबह 12:30 बजे, कुछ ऐसा काम तो था नहीं, तो बस मुझे ये सब चीज़ें असल चीज़ गोश्त गलाना होता है, तो बस वो मैंने गला लिया था। और यहाँ पर जैसा आपने देखा मैंने धनिया पाउडर डाला 2 टेबलस्पून, और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और गरम मसाला। बस आपको पता है कोरमे में ज़्यादा कोई स्पाइसेस तो जाते नहीं है, और ये ब्राउन प्याज ये पूरी मैंने नहीं डाली थी, मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसमें से बचा ली थी, तो इसीलिए मैंने आपको 4 प्याज़ें बोली हैं क्योंकि प्याज मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली थी। तो खैर, यहाँ पर सारे मसाले डाल के मैंने भून लिया था, और यहाँ दही और ब्राउन प्याज और इसमें 1-2 इलायची और लौंग ये डाल के मैंने पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था, और पेस्ट मैं उसको ऐड कर रही हूँ और उसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। और जब हमारा तेल सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ पर फिर मैंने इसमें गरम मसाला स्प्रिंकल करा है और जायफल जावित्री का पाउडर वो स्प्रिंकल करूँगी, उससे बहुत ही अच्छी जो कोरमे की खुशबू होती है वो आती है, चाहे पुलाव में डालें या कोरमे में किसी में भी डालें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पर केवड़ा एसेंस मैंने ज़ाफ़रान का ऐड करा था। बस जी, यहाँ पर हमने दम पर रख दिया है और हमारा कोरमा हो गया है रेडी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा था और गाढ़ा ही होता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा मैंने आगे आपको शेयर करूँगी कि बाद में थोड़ा पानी मैंने ऐड करा था, क्योंकि हमारे ससुराल में अम्मी के घर पे इतना शोरबे का नहीं होता, ससुराल में हमारे यहाँ शोरबा थोड़ा सा सब कुछ चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया था। अम्मी के यहाँ फिर हमारे यहाँ पानी ऐड नहीं होता, ऐसे ही बनता है, और जिब्रान को भी होता है कि थोड़ा तो शोरबा हो। तो खैर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा लग रहा है कोरमा, और सबको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी आया। और जी, ये उसी रात की क्लिप है जिसकी सैटरडे की, तो बस जिब्रान गए हुए थे और आए तो 3:15 बजे, मैंने कहा अल्लाह मुझे भूख लग रही है, तो कहने के चलो कुछ लेकर आते हैं, तो बड़े अरसे के बाद हम निकल रहे थे बाहर, इतनी लेट नाइट निकल रहे थे, तो नीचे होती तो इतनी प्यारी खूबसूरत लग रही थी लाइट्स और माशाल्लाह से, और आगे भी शेयर करूँगी, इतना सजाया गया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से, जगह जगह जो है वो लाइट्स लगाई गई हैं, और 12 रबीउल अव्वल की खुशी में जो महीना स्टार्ट हुआ है इस खुशी में, तो और दुआ भी यही है मेरी कि इस महीने की बरकत से अल्लाह पाक हम सब की जो भी मुश्किलात हैं परेशानियाँ हैं उनको दूर करे। और इतना बड़ा महीना है, हुज़ूर सल्लम की पैदाइश का महीना है, तो बस अल्लाह ताला जो है वो हमारी मुश्किलात को दूर करे। और जाहिर सी बात है अब मैं निकली थी रात में, तो मुझे कुछ ऐसा तो खाना नहीं था जो मेरी डाइट को ख़राब करे, तो इसलिए मैंने टिक्का ले लिया था बारबेक्यू, सेफ रहता है, और ये जिब्रान के भतीजे की शॉप से ये ले लिया था बर्गर जो कि जिब्रान ने खाना था, मैंने एक बाइट लिया था क्योंकि आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में ये ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये बर्गर, लेकिन अभी भी मेरे में पानी आ रहा है। तो बस जी, क्या करें,
और यहाँ आप देख सकते हैं ये मशीन की ढुंढाई पूरे घर में मैंने कर दी थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चली गई, और फिर मैंने अपने सिस्टर को कॉल करी तो कहने की यहाँ रखी हुई अम्मी के घर। अम्मी की ही मशीन थी, अम्मी ने मुझे दे दी थी ले जाओ, मैं लेने वाली थी लास्ट ईयर, तो अम्मी ने कहा यहाँ कोई यूज़ नहीं करता ले जाओ ना, तो बस फिर मैं वहीं ले गई थी। और आप उसका हाल देख रहे हैं कितना भयानक हो रहा है, और वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको आफ्टर क्लीनिंग। और यहाँ मैंने जबान के कबाब फ्राई करे थे और वो जल गए बेचारे, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करी थी लास्ट वीडियो ना, और मैंने यहाँ जबान को बेवकूफ़ बनाया। मैंने कहा रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि शाम में मैं अपने लिए फ्राई करी थी तो मेरे जल गए थे, तो जबरान ने कहा रात में मेरे मत जला देना, और यहाँ जबरान के भी जल गए थे। तो कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि मैं इसमें किचन से निकलती नहीं हूँ ना, कुछ भी कर रही हूँ मैं किचन से निकल गई थी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो यहाँ मैंने कहा देखती हूँ जबरान को, क्योंकि मैंने उल्टे करके रखे हुए थे, मैंने कहा देखती हूँ जबरान को पकड़ते हैं मेरी चोरी के नहीं। तो खैर जबरान को नहीं समझ में आया, अगर मैं बोल देती ना कि ये जल गए तो बोलते हाँ जला हुआ टेस्ट आ रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला तो देखिए आराम से खा लिया। फ्रूट, आज मैंने कहा आपको ग्रेप फ्रूट के फवाइद बताऊँ, आगे बताऊँगी, पहले यहाँ मैं करना में देख लूँ। जबरान को जूस निकालने के लिए बोला है, तो ये कटिंग बोर्ड, ये नाइफ, मैं तो अभी चोरी से कट करके बना भी चुकी होती। जब मैंने दूर से देखा कि इतने तमाम से ये ग्रेप फ्रूट का जूस निकल रहा है, तो मैंने कहा चलो जी इसको भी शूट कर लिया जाए। वैसे मुझे, मैं बनाने जा रही थी, फिर मैंने कहा ज़रा मैं शावर वगैरह लूँ फिर बनाऊँगी। और यहाँ जबरान साहब ने जो है वो अपना शेफ जाग गया जबरान के अंदर का तो वैसे ही ग्रेप फ्रूट के बहुत ही बेनिफिट्स हैं, और शुगर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। सही से ऑन नहीं हुआ है, आपने सही से बिठाई नहीं है मशीन, और दिखा तो दूँ, कल मैंने आप लोगों को दिखाई थी ये, इस पे आपने देखा था कितने जंग वंग लगे हुए थे। ये किचन क्लीनर देख रहे हो कितना साफ हुआ है, सिर्फ मैंने एक स्प्रे इसके ऊपर करा था और ऐसे ही इसका मैल। ये मेरी अम्मी के, ये हमारे बचपन की मशीन है, और माशाल्लाह से चमक गई, किचन क्लीनर ने इसको चमका दिया है। ऐसा लग रहा है कोई बच्चा रो रहा है। सिस्टर के घर गई थी सफाई करवाने, और आप यहाँ मेरा हाल देख सकते हैं, पूरी वाइट हो रही हूँ मैं, मेरी लैशेस, ऑयल लैशेस, मेरे बाल सब वाइट। तो खैर यहाँ पर जो है जी, तो ये दावत में था हमारा ये कबाब, जिसको नरगिदी कबाब कहते हैं, ये मेरा कोरमा जो मैंने बनाया था, और पुलाव मेरी जो एक और जेठानी है उन्होंने बनाया था। तो खैर उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलूंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।